अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज। इन्होंने बदमाशी की है, बदमाशी की है बेटा, बदमाशी भी मूवी बन रही है, हाँ। ठीक है ना, बनाओ बनाओ, हम अहले खिदमत के रजाकार है, दहशत गर्द नहीं है, बनाए अपना, आप दहशत गर्द नहीं, हम भी दहशत गर्द, हम भी दहशत गर्द नहीं, आप हम लोग आगे उठा के लेके जा रहे हैं, यहाँ पे अहले खिदमत के रजाकारों को हमारा होटल इन्होंने बंद करवाया पुलिस वालों ने आके, बात करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पर अलखिदमत सच्चा तंदूर जो है अलका अक्सर की जानब से जो यहाँ पे लोगों की अवामी खिदमत का फहाई का काम अलखिदमत सर अंजाम दे रही थी और उस सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद थे, हमारी अप्रूवल भी मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर ने हमें अप्रूवल दिए और रेंजर्स ने हमें अप्रूवल दिए, रेंजर्स ने हमें अप्रूवल यहाँ पे खुद आके दिए और उसके बावजूद यहाँ पे आके पुलिस से धावा बोल दिया, हमारे कार्यक्रम पे हमला करा है और यहाँ पे पुलिस जो है हमारा होटल जो है वो बंद करा दिया, हमारा बड़ा होटल बंद करा दिया गया हमारा यहाँ पर और यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में तशद्दुद किया गया है, लिहाजा ये फलाही काम जो अलखिदमत कर रही है, जो हुकूमत है काम करने का है, वो हुकूमत नहीं कर रही, ये काम हम कर रहे हैं, रजाकार कर रहे हैं और हमारे पे ही तशद्दुद हो रहा है। मेरी अपील है आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों को निशाने पर बनाया जाए, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम लोगों को जो है वो मौके फराहम करें, भूखों को खाना खिला रहे हैं, ये जुल्म है हमारा, ये जुर्म है कि हम यहाँ पे भूखों की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऊपर से हमारी तरफ लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो मेरी अपील है आप सब लोगों से इस वीडियो को शेयर करें और ताकि हमारी मदद कर सके और आवाम आला हुकाम तक पहुँचा सके इस बात को, मेहरबानी शुक्रिया। बात करें लाइव चल रही है, लाइव जा रही है, हम यहाँ पे सुबह शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक लोगों को 5 रुपए की सस्ती रोटी और 10 रुपए का सालन दे रहे थे। हमारे पास रेंजर्स के हेडक्वार्टर की रिसीविंग मौजूद है जिन्होंने हमें अप्रूवल दिए कि हम ये सिस्टम चला सकते हैं मगर SOP के तहत, और SOP के लिए हमने अपने 5 रजाकार यहाँ पे लाइन के अंदर खड़े करने के लिए रखे हुए हैं जो जो है ना गैप को मुसलसल बैलेंस कर रहे होते हैं। ये पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने आगे बदमाशी की है, बदमाशी करने के बाद लोगों को मारा है और मारने के बाद ये अभी थाने लेके जा रहे हैं हमें, हम कोई हमने जो गलत काम नहीं किया, हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ फलाह बहबूद के लिए रजाकाराना तौर पे ये काम कर रहे थे ताकि हमारे महल्ले को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, मगर इनकी ये बगैरती। ये धमकियां दे रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, ये धमकियां दे रहे हैं हमें, ये धमकियां दे रहे हैं हमें, ये हमें धमकियां दे रहे हैं, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये धमकियां दे रहे हैं, ये लाइव जा रही है वीडियो। IG सिंह साहब आपसे गुजारिश है, DG रेंजर साहब आपसे गुजारिश है, ये देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पे खिदमत के रजाकारों के साथ, जो लोगों को जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो 10 रुपए की रोटी 5 रुपए में दे रहे हैं, जो 10 रुपए का सालन दे रहे हैं इन हालात के अंदर, वो तमाम कानून तमाम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे आके बदमाशी करते हैं, कानून फॉलो कर रहे हैं, हमें रेंजर्स ने इजाजत दी है, तमाम तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है रिटर्न के अंदर। ये इन्होंने धमकी दी है कि इसकी भी वीडियो बनाओ, इन्होंने मेरी भी वीडियो बनवाई है, मेरी तस्वीरें भी खींची हैं, अब कुछ होता है तो IG सिंह साहब ये लोग जिम्मेदार होंगे यहाँ पे, हमें कुछ होता है ये वाला, हम लोग लावारिस नहीं है, जमात इस्लामी अलखिदमत हमारे साथ है, हमने दूसरे बड़ी कुव्वतों का भी हमने इस खिदमत की खातिर मुकाबला किया है और आज भी करेंगे, इन्होंने तस्वीरें खींची, ये तस्वीरें खींच रहे हैं मेरी, खींच भाई खींच ले, चलो अंदर चलो।